आज हम डिस्कस करेंगे कि जो यूजीसी की नोटिफिकेशन आई है 4 जून 2019 को, उसको हम डिस्कस करेंगे कि आखिर उसमें क्या है, और उसके एक ब्रीफ एनालिसिस करेंगे कि आखिर कितनी वैकेंसीज खाली हैं और उसको कैसे कैसे फिल किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे कैसे कितनी वैकेंसीज खाली हैं और क्या क्या डेट फिक्स की है यूजीसी ने उसके अकॉर्डिंग, और उसको कैसे कैसे फिल किया जाएगा, हम उसके बारे में ब्रीफ में एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ में देखी होंगी, न्यूज़पेपर्स में ये आ रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख पोस्ट खाली हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो हम इसको कैसे देख सकते हैं? तो अब यहाँ पे हमने ये देखा कि 3 लाख वैकेंसीज खाली हैं, तो ये 3 लाख वैकेंसीज कहाँ कहाँ पे खाली हैं और कैसे कैसे इसको फिल किया जाएगा, इसको देखना है। सबसे पहले तो 3 लाख वैकेंसीज जो टोटल हैं ये ऑल ओवर इंडिया हैं। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जिसको बोलते हैं, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी टोटल कितनी है, 49 टोटल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, और बाकी रिमेनिंग जितनी भी हैं वो सारी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी के नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं तो उसके बारे में देखेंगे, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं उसके अंदर। ठीक है, और प्लस में डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ क्या होती हैं, बेसिकली इनको पूरा यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिया गया होता, लेकिन ये यूनिवर्सिटी बन जाएंगी कुछ सालों में। ठीक है, तो उनके अंदर भी वैकेंसीज खाली हैं और उसको भी यूजीसी रेगुलेट करता है। ठीक है, इसका नाम है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, तो अब ये तीनों के अंदर वैकेंसीज जो खाली हैं ये टोटल कितनी हैं, 3 लाख वैकेंसीज। अब इन 3 लाख वैकेंसीज को टोटल फिल करना है, तो अब इसको कैसे कहेंगे? अब देखो यहाँ पे एक और एनालिसिस ये आता है, यहाँ पे बहुत जगह ये भी दिखाया जा रहा है कि इस जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर टोटल कितनी पोस्टें खाली पड़ी हैं, 6100। ठीक है, कितनी है टोटल, 6100 वैकेंसीज खाली हैं, और आउट ऑफ 6100 अप्रॉक्सीमेटली 4000 वैकेंसीज किसमें हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर खाली है। सो अब हम देखेंगे कि इसको कैसे फिल करने के लिए क्या क्या गाइडलाइंस यूजीसी ने इशू करे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यूजीसी ने कहा है कि सबसे पहले तो 4 जून को नोटिफिकेशन आया यूजीसी का। ठीक है, 4 जून को यूजीसी का नोटिफिकेशन आया कि आप जितनी भी वैकेंसीज खाली हैं उसको फिल कीजिए, लेकिन उसके लिए कुछ डेडलाइन दी उन्होंने। उन्होंने बोला कि विद इन 15 डेज, मतलब कि विद इन 15 डेज, मतलब कि 19th या 20th ऑफ जून से पहले आप ये डिक्लेयर कीजिए कि आपके किस किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसीज खाली हैं। ठीक है, तो आप इसको डिस्क्लोज करिए सारा कुछ। ठीक है, तो आपको 19th या 20th जून को आपको ये सारे डिक्लेरेशन देनी है कि आपके पास कितनी वैकेंसीज खाली हैं, कितना कितनी असिस्टेंट प्रोफेसर की खाली हैं, कितनी एसोसिएट प्रोफेसर की खाली हैं, और कितनी प्रोफेसर की पोस्ट खाली पड़ी हैं आपके पास। ठीक है, तो ये सारा कुछ डिक्लेयर करना है, कब तक, 19th या 20th जून से पहले पहले। ठीक है, सेकेंड थिंग क्या आता है कि उन्होंने ये बोला कि जब आप वैकेंसीज डिक्लेयर कर देंगे तो उसके लिए आपको रिक्रूटमेंट भी करनी है, क्योंकि यूजीसी ने ये जब गाइडलाइंस इशू करी थी तो उसी समय यूजीसी ने ये बोल दिया था कि आपको विद इन 180 डेज, मतलब कि 6 मंथ से पहले पहले आपको सारी वैकेंसीज फिल कर लेनी है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जब आप इसको वैकेंसीज को डिक्लेयर करोगे, डिस्क्लोज करोगे, तो उसके साथ आपको फिल भी करनी है, तो फिल करने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है हायर एजुकेशन अथॉरिटी की। तो इससे आपको परमिशन लेनी है, और परमिशन किस लिए लेनी है, वैकेंसीज को फिल करने के लिए, और वो कब लेनी है, जब आप डिस्क्लोज करोगे 20 जून को, तो उसके विद नेक्स्ट विद इन 30 डेज। ठीक है, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 20 जुलाई से पहले आपका परमिशन मिल जानी चाहिए आपको, किसकी, नोटिफिकेशन इशू करने की, जो वैकेंट पोस्ट है उसकी नोटिफिकेशन इशू करने की। ठीक है, अब जब 20 जुलाई को आपने ये नोटिफिकेशन इशू करने की आपने परमिशन ले ली, तो उसके विद इन नेक्स्ट 15 डेज, ठीक है, मतलब 20 जुलाई के बाद 15 दिन के अंदर, मतलब कि 5 अगस्त से पहले क्या करना है आपको, 5 अगस्त से पहले डिक्लेयर करना है आपको क्या करनी है, जितनी भी पोस्ट वैकेंट हैं उसके लिए आपको रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन इशू कर देना है। ठीक है, कब से पहले, 5 अगस्त से पहले रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन सारी यूनिवर्सिटीज़ का इशू हो जाएगा, जिसमें भी वैकेंट सीट्स खाली हैं। ठीक है, अब 5 अगस्त से पहले जब नोटिफिकेशन इशू हो जाएगा, तो उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि नवंबर 2019 से पहले पहले सारी की सारी पोस्ट क्या करनी है, आपको फिलअप कर लेनी है। ठीक है, तो यानी कि अप्रॉक्सीमेटली नवंबर से पहले पहले जितनी भी 3 लाख वैकेंसीज बताई जा रही हैं वो सारी की सारी फिलअप कर ली जाएंगी। ठीक है, सो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 3 लाख वैकेंसीज टोटल हैं। ठीक है, इसके अंदर से 6100 कितनी वैकेंसीज जो हैं वो किस में खाली हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, और बाकी रिमेनिंग 2,94,000 वैकेंसीज जो हैं वो किस में खाली हैं,
स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम टू यूनिवर्सिटी, उनके अंदर वैकेंसीज खाली हैं, ठीक है। तो अब 6100 वैकेंसीज में आप अभी आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, आप इसमें भी, और आपके रिस्पेक्टिव स्टेट्स में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आप मान लीजिए कि आप पंजाब से बिलोंग करते हैं, तो आप पंजाब यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में आप अप्लाई कर सकते हैं। दोनों के क्राइटेरिया थोड़े अलग होंगे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी जो होती है उनके अंदर रूल्स और प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू स्टेट्स वेरी करते हैं। उनके अंदर रिजर्वेशन रिक्वायरमेंट्स भी अलग होती हैं और सीट्स का एलोकेशन भी थोड़ा अलग होता है, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट जो भी होगी, यूजीसी की रिक्वायरमेंट होगी, उसके अकॉर्डिंग सीट्स को फिल किया जाता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे कि जो आजकल बहुत ज़्यादा इशू रेज किया जा रहा है कि हम 2021 के बाद से बिना पीएचडी होल्डर्स कभी भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत बड़ा र्यूमर है, हम इसको क्लियर करेंगे आज कि कैसे ये र्यूमर फैलाया जा रहा है और ये कैसे इस गलत चीज़ को हम हटाएं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है कि जो यूजीसी का रेगुलेशन आया है नया, जो कि जुलाई 2021 से अप्लीकेबल होगा, तो उसके अंदर ये बोला गया है कि जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर उसके अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर्स का रिक्रूटमेंट होना है, तो उसके लिए आपको आपके पास एक पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन उसके अंदर उन्होंने क्लियर बोला है कि जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर एज असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट होगा, तो उसमें क्या होगा कि पीएचडी मस्ट होगा। लेकिन अगर वहाँ पे वो यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेजेस भी आते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपकी पीएचडी मैंडेटरी नहीं है। आप कॉलेजेस के अंदर एज असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा सकते हैं बिना पीएचडी के, ठीक है। अब जैसे ये यूनिवर्सिटी है, अब इसको हम डिफरेंस को समझते हैं। डीयू एक यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 90 कॉलेजेस आते हैं, तो आप उस 90 कॉलेजेस के अंदर जो अप्लाई करना है आपको एज असिस्टेंट प्रोफेसर, तो उसके लिए आपकी पीएचडी मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट डीयू में पढ़ाना चाहते हैं, डीयू के डिपार्टमेंट्स में पढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी पीएचडी मैंडेटरी है। ये बेसिकली एक स्टेप लिया गया है कि आप जो टीचिंग क्वालिटी है वो इंप्रूव हो, क्योंकि ज़्यादातर डिपार्टमेंट्स में या जो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है वो पोस्ट ग्रेजुएट या रिसर्च की ज़्यादातर पढ़ाई होती है, तो उसके लिए अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर हायर करेंगे विदाउट पीएचडी, तो उसके लिए जो क्वालिटी होगी, टीचिंग क्वालिटी होगी, काफ़ी पुअर होगी। तो इसीलिए स्टेप लिया गया है, और जो कॉलेजेस हैं उसके अंदर ये कंटिन्यू रहेगा कि आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेट। ये अब हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। वैसे जब जैसे मान लीजिए कि हम डीयू के अंदर डिपार्टमेंट्स लेंगे, तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी आ जाएगा, तो ये सब डिपार्टमेंट्स हैं। लेकिन अगर मान लो कि कॉलेजेस की बात करें, तो कॉलेजेस के अंदर मान लो कि अगर आ गया हंसराज, ठीक है, तो हंसराज के अंदर भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। तो अब यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी में अप्लाई करना है, तो आपका नेट सफिशिएंट होगा फॉर अप्लाइंग एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर।